रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र दो मुहानी पुल स्थित पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार भुरकुंडा थाना प्रभारी अमित कुमार एवं गश्ती कर रहे SI मयंक प्रसाद को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात अपराधी द्वारा भीड़भाड़ इलाके में हथियार लहराया जा रहा है। पुलिस ने रिवर साइड दो मुहानी पुल स्थित वाहन जांच अभियान भी चलाया, जिस दौरान सयाल की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार एक युवक को पुलिस ने देख लिया। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने युवक को धर दबोचा और तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक के पास से एक देसी रिवॉल्वर और एक जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया गया। पकड़े गए अपराधी का नाम राकेश कुमार उर्फ राजू बताया जा रहा है। एक गुप्त सूचना मिली कि एक लड़का हथियार लेकर के घूम रहा है, अपने बाइक पर चल रहा है। इसी को देखते हुए कुंडा थाना प्रभारी ने हमें सूचना दी और हमने निर्देश दिया। उसके बाद उन लोग ने छापामारी करने लगे और भुरकुंडा के दो मुहाने पुल के पास चेक इन के दरमियान सबको चेक कर रहा था, तो इसी दरमियान में ये लड़का भी हाथ आया और इसमें इनके कमर में एक देसी रिवॉल्वर और दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इससे पूछताछ किए तो ये बताया कि अभी फिलहाल कुछ दिनों से ये मनो सक्रिय था, लेकिन किसी गिरोह से अभी कोई संबंध नहीं रख रहा, लेकिन ये बिहार का कोई दोस्त से ये हथियार लाया था और यहाँ पर प्रतिदिन मतलब जहाँ तहाँ धमकी दे रहा था। न्यूज विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।